हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। ये थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया। दोस्तों, मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पिक करता हूँ। उसमें साथ ही मैंने देखा कि एग्जामिनेशन में टॉपिक बहुत बार पूछा गया है मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर। इसमें दो टॉपिक्स आते हैं। पहला, आपको प्रूफ करने आना चाहिए। सेकेंड, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि वेरीफाई करने के ऊपर बेस्ड हैं। साथ ही फाइंड द वैल्यू वाला जो आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है। और गाइज, मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बनवा दिया है। साथ ही आप बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं वहाँ जाके। बिल्कुल आप चेकआउट कीजिए और देखिए किस तरीके से मैंने सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया आपके लिए। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स तक। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में और साथ ही देखा गया इसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया टॉपिक, दैट इज़ कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, जो नेमिंग वाला होता है वो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैंने इसे अच्छे से क्रिस्प फॉर्म में और एग्जाम में किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से आपको लिखना है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। आप डेफिनेटली इसका एडवांटेज ले सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। आपने अभी तक रोलेस थ्योरम पढ़ लिया, लैग्रांजे का प्रूफ भी देख लिया, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लिया हमने। अब हमारे पास आया है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। अब यहाँ पे इसका स्टेटमेंट समझते हैं। सिंपल सा चीज़ है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम में। अभी तक हमने बात किया एक सिंगल फंक्शन के बेस्ड प्रॉब्लम्स में, जहाँ पे फंक्शन fx इस तरीके सिंगल सिंगल था। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन होने वाला है वो fx और gx होगा। देखते हैं यहाँ पे कॉची में स्टेटमेंट ये कहता है दोस्तों, लेट fx एंड gx डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू a एंड b। सिंपल लाइन सभी में सेम रहता है। अभी तक आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा, और मैं बिना बताए ये आपको याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो लेट fx और gx दो फंक्शंस हैं यहाँ पे जो कि डिफाइंड हैं किस x के लिए, जो कि बिलोंग्स टू a एंड b है, सच दैट fx gx इज कंटिन्यूस इन a एंड b होना चाहिए। fx और gx दोनों ध्यान रखना ना बात को यहाँ पे। सेकंड पॉइंट, fx gx आर डिफरेंशिएबल इन a एंड b, यहाँ भी होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट c बिलोंग्स टू a कॉमा b, सच दैट f डैश c अपॉन में g डैश c f b माइनस f a g b माइनस g a। अब यहाँ पे ये हमारा कंडीशन है, मतलब अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स सच दैट हम कह सकते हैं कि ये होगा, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि एग्जामिनेशन में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला, दो नंबर में आपको ये पूछा जा सकता है डेफिनेशन, ठीक है। और बाकी अगर अदर तीन नंबर, पाँच नंबर, दस नंबर, जिसके अकॉर्डिंग नंबर वाइज के अकॉर्डिंग इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा दो पैटर्न में। पहला, प्रूफ पूछेगा आपको, जो कि मैं आज के वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा आपका। किस तरीके से एग्जामिनेशन में रिप्रेजेंट करना है वो भी सिखाऊंगा, और किन किन बातों को ध्यान रखना है। और दूसरा फॉर्म होता है प्रॉब्लम्स वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम करने वाले हैं प्रूफ कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का। सिंपल है, कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशियबल होना चाहिए। अगर दोनों सेटिस्फाई कर गया, दैट मीन्स हम कह सकेंगे देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट एक पॉइंट होगा जो कि सी ए बिलोंग्स टू ए और बी के बीच में आएगा, सच दैट ये हमारा फॉर्मूला, इसे हमें प्रूफ करना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ को, आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और हाँ गाइज, एक और चीज़ है, एग्जामिनेशन में हो सकता है कि आपको ये स्टेटमेंट ना दिया हो। जैसे मैंने यहाँ कैसे स्ट्रक्चर बनाया है, ये मेरे सामने स्टेटमेंट है, मतलब ये क्वेश्चन है, समझ जाओ। ये इतना बड़ा डेफिनेशन जो है ना, ये डेफिनेशन दिया गया आपके पास और बोल दिया गया प्रूफ करो। प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है ना यहाँ पे। तो सपोज आपके पास ये डेफिनेशन नहीं दिया गया, लिख दिया गया प्रूफ दैट कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, तब आप कैसे करोगे? इसका सिंपल सा मतलब है कि बड़े नंबर में क्वेश्चन आएगा। सेकंड थिंग कि यहाँ पे आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए। वैसे तो मैं कहता हूँ कि डेफिनेशन आपको हमेशा याद होना चाहिए, लेकिन इन कंडीशन अगर आपके पास ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपके पास डेफिनेशन आपको 100% याद होना चाहिए। तो आप इसे याद कर लो ना, बहुत सिंपल है। पहला क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशियल होना चाहिए, फिर एटलीस्ट सेम रोलेस थ्योरम, लैग्रांजे, इतना सारे हमने किया अभी तक लेक्चर्स। आप डिफरेंशियल कैलकुलस का प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, आपको याद हो गया होगा ये, है ना। आई होप जो आप लोग देखते हो लेक्चर्स, आपको डेफिनेटली याद हो गया होगा। चलिए हम लोग प्रूफ बढ़ते हैं। तो प्रूफ में अब क्या करना है ये समझते हैं। प्रूफ में हमें इस तरीके से हमें लेना है, कोई फंक्शन को एज्यूम करना है, कंसिडर करना है, ताकि वो जो है रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई कर पाए। रोलेस थ्योरम को अगर सेटिस्फाई कर गया, दैट मीन्स हमारा यहाँ पे प्रूफ होता चले जाएगा। इस तरीके से स्टार्ट करना है, इस तरीके से फंक्शन एज्यूम करना है। अब आपके दिमाग में आएगा, सर हम कैसे फंक्शन को रोलेस थ्योरम के अकॉर्डिंग एज्यूम करें, है ना। ये सिंपल सा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, मेरे दिमाग में भी आया था, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे सिंपल से क्या चीज़ करना है हमें, आपको पहला क्या करना है, मेरा प्रूफ को देखना है। आप डायरेक्ट प्रूफ तभी कर पाओगे जब आप बहुत सारे प्रूफ करोगे, है ना, तभी आप कर पाओगे। और ये जो प्रूफ है इसको एक बार देखने के बाद डेफिनेटली आप नया कुछ और तरीके से भी प्रूफ कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा मेरे पैटर्न से ही प्रूफ करना, बहुत ईजी, मैं समझाने वाला हूँ आप लोगों को। कंसीडर हमें इस तरीके से करना है ताकि जो फंक्शन जो है हमारा वो हमें
रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई करके दे, मीन्स हमें फंक्शन को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्टिंग एफ एक्स या कोई भी फंक्शन ले सकते हो फाई एक्स इन अ मैनर दैट रोलेस थ्योरम कैन बी अप्लाइड ऑन फाई एक्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंसिडरिंग फाई एक्स, मैं यहाँ फाई एक्स ले रहा हूँ, कुछ भी ले सकते हो फाई एक्स के लिए। यहाँ पे हमारा एफ एक्स भी यूज़ होने वाला है और के जी एक्स भी यूज होने वाला है, वेयर के इज सो चूजन दैट इट मस्ट बी फाई ए इज इक्वल टू फाई बी। कहने का क्या मतलब है दोस्तों, आप सभी को पता है कि रोलेस थ्योरम क्या कहता है, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल और थर्ड पॉइंट एफ इज इक्वल टू एफ, बिल्कुल ये कहता है, बिल्कुल कहता है। तो यहाँ पे क्या है हमारा ये रोलेस थ्योरम का, हमारे पास गिवन में क्या दिया गया है, इन गिवन हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया गया है कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ऑलरेडी है सच दैट, तब जाके हमें ये प्रूफ करना है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना, अगर ये कंटिन्यूस है डिफरेंशियल मीन्स थर्ड पॉइंट भी इक्वल होगा, हमने के को इस तरीके से माना है ना, इस तरीके से सपोज किया है, चूज किया है, ताकि हमारा जो है यहाँ के का वैल्यू समझो नेग्लिजिबल है। मीन्स अगर मैं ए यहाँ पुट करूँगा, एक्स के प्लेस में ए पुट कर दो आप, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो के का वैल्यू इस तरीके से है यहाँ पे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू में, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, चाहे मैं ए पुट करूँ मैं बी पुट करूँ, है ना। तो ये इसका मतलब हो गया। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको यहाँ इक्वेशन नंबर वन और इसको क्वेश्चन नंबर टू देना है, और या फिर आप ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो कि हमारा रोलेस थ्योरम में क्या कहता है थर्ड पॉइंट, अगर कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है और ये इक्वल है तो हमारा रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई हो गया। थर्ड पॉइंट तो ये कहता है ना, अगर रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई करना है आपको तो कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और साथ ही हमारा थर्ड पॉइंट सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अब सिंपल है, इसकी जगह हम पुट कर दो ये वैल्यू, यहाँ से क्या आएगा एफ ए प्लस में के जी ए इज इक्वल टू एफ बी प्लस में के और जी बी, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से के वाले टर्म को साथ में कर लेते हैं, तो यहाँ पे के जी ए माइनस में के जी बी, एक काम करते हैं के को मैं डायरेक्ट कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे एक स्टेप कैंसिल हो जाएगा बढ़िया, फिर यहाँ इज इक्वल टू में आ जाएगा हमारे पास एफ बी, फिर माइनस में एफ ए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। फिर के का वैल्यू आ गया हमारे पास यहाँ से एफ बी माइनस में एफ ए अपॉन में जी ए माइनस में जी बी। यहाँ तक आई होप आपको डाउट नहीं होगा, आप चेकआउट करो तो यहाँ तक पहले बिल्कुल नहीं होगा, मुझे पता है कुछ किया ही कहाँ है अभी हमने, हैं। अब यहाँ से हमें रोलेस थ्योरम को अप्लाई करना है, मैंने क्या बोला आपको इस तरीके से चुनना होता है फाई एक्स में कि रोलेस थ्योरम अप्लाई कर पाएँ। अब यहाँ पे देखो हमने के ऐसे माना था कि फाई इज इक्वल टू फाई बी हो जाएगा, है ना, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं के से। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन टू बन चुका है जो कि रोलेस थ्योरम में यूज़ होने वाला है, सपोज यहाँ समझ आएगा आपको। देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अगर आपके पास ये स्टेटमेंट नहीं दिया गया है तो मैंने आपको पहले ही बोला आपको दिमाग में स्टेटमेंट याद होना चाहिए क्योंकि ये गिवन है आपका। तो यहाँ पे एफ एक्स एंड जी एक्स है ना आर कंटिन्यूस, कहाँ पे कंटिन्यूस है इन ए और बी में। सो क्या होगा इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स कि हमारा अगर एफ एक्स जी एक्स ही कंटिन्यूस है, यहाँ एफ एक्स भी कंटिन्यूस है और जी एक्स भी कंटिन्यूस, इसका मतलब क्या हुआ कि फाई एक्स भी कंटिन्यूस है ना, तो यहाँ पे सो फाई एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस। पहला रोलेस थ्योरम का कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दिया गिवन से ही। अब बताओ प्रूफ कितना ईजी होता है, आप लोग बोलते हो टफ होता है, पहला पॉइंट। सेकेंड फाई एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इन ए एंड बी। अगर फाई एक्स और जी एक्स, फाई एक्स और जी एक्स दोनों अगर डिफरेंशिएबल होगा तो डेफिनेटली हमारा फाई एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा। फ्रॉम इक्वेशन टू हमें हमारे पास रोलेस थ्योरम का पहला कंडीशन कंटिन्यूस डिफरेंशियल प्रूफ हो चुका, फ्रॉम टू से हम कह सकते हैं कि फाई ए इज इक्वल टू फाई बी होगा, है ना। तो यहाँ वन टू हो चुका है, इसे मैं ना थ्री दूंगा फोर दूंगा और इसे मैं फाइव दूंगा, है ना, फाइव दिया मैंने इसे। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम ऑल द कंडीशंस, ऑल द कंडीशंस ऑफ रोलेस थ्योरम आर सेटिस्फाइड, सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट
वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी सच दैट, तो हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं फ्रेंड्स, फाई एक्स, तो फाई सी हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। नाउ हमें डिफरेंशिएट करना है इसे इक्वेशन नंबर वन को, करिए डिफरेंशिएट, क्या होगा यहाँ पे एफ एक्स प्लस में के एंड जी एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ डैश आएगा, डिफरेंशिएट किया हमने। अब यहाँ से वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यू पुटअप कर सकते हैं के का, यहाँ हमारे पास के का वैल्यू है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम k का वैल्यू निकाल लेंगे। k का वैल्यू कैसे निकालेंगे, निकालते हैं यहाँ पे k का वैल्यू, देखो कैसे आएगा, यहाँ पे k उधर शिफ्ट करूँगा मैं, उधर किया तो यहाँ पे आ गया हमारे पास f डैश x अपॉन में g डैश x, और ये उधर ले गया तो k का वैल्यू क्या था, नेगेटिव, नेगेटिव था तो माइनस k इज इक्वल टू हमारे पास आ गया f डैश x अपॉन g डैश x। इसे नाम देते क्वेश्चन नंबर सिक्स, हमारे पास वैल्यू था इसका, k का वैल्यू था हमारे पास, बिल्कुल था। हाँ, यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन सिक्स, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे के का, क्या आएगा एफ बी माइनस में एफ ए, सामने माइनस है ना, सामने माइनस को मैं नीचे ले आ लेता हूँ, यह मैं एक बार डिटेल में लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, कोई भी डाउट ना हो। एफ डैश एक्स अपॉन में जी डैश एक्स, यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम, एफ डैश एक्स अपॉन में जी डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, ये सामने क्या है हमारे पास, माइनस है, इस माइनस को हम नीचे मूव कर देंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, इस माइनस को हम नीचे मूव कर रहे हैं तो ये जी बी माइनस जी हो जाएगा, तो एफ बी माइनस में एफ ए फिर अपॉन में जी बी माइनस में जी। प्रूफ क्या करना था, यही करना था प्रूफ, है ना, और यहाँ पे f डैश c आएगा, यहाँ पे c पुट करना था हमें, हमने c पुट नहीं किया, ध्यान रखना है इसीलिए मिस्टेक में पुट, x इज इक्वल टू c, c आएगा और यहाँ पे c आएगा, तो यहाँ से चेंज कर दो सारे जगह, यहाँ भी c आ गया और यहाँ भी c, c और c, x में कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन रोलेस थ्योरम क्या कहता है, हमें c पुट करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से इसे प्रूफ करना होता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था फ्रेंड्स, बहुत इजी है, यकीन मानो आप लोग बहुत इजी टॉपिक है, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम स्कोरिंग टॉपिक इन कॉलेज एग्जाम्स, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कुछ स्टेटमेंट्स पूछ लिए आपको या प्रूफ करने के लिए बोल दिया है ना, रिटर्न एग्जामिनेशन और एमसीक्यू में आपको स्टेटमेंट से कुछ क्रॉस क्वेश्चन बना के पूछे, तो इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, और अगर आप प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं और प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके वहाँ लेक्चर को देख सकते हैं, सिस्टमेटिक वे में अरेंज है। अगर आपको कोई भी डिमांड है, कोई भी आपको किस तरीके कंटेंट पसंद है, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो उस टॉपिक का वीडियो डेफिनेटली। गाइस अगर आप चैनल पहली बार आए हो, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए, जय भारत।